फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बताने जा रहे हैं आपको पिनेकल बुक पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन की वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। एसएससी के क्वेश्चन पेपर की बेस्ट बुक है ये पिनेकल पब्लिकेशन इंग्लिश की बुक, जिसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आप लोग इसे देखें, समझें, कुछ अलग तरीका है हमारा पढ़ाने का, उसको देखें समझें। किसी भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ तो उसकी पूरी तह तक जाता हूँ, और पूरी डिटेल में मैं उसे उसकी डिटेल पूरी डिटेल प्रोवाइड कराता हूं। आइए चलिए देखते हैं। और आज का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 101 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व कराया जा चुका है, यानी कि 100 क्वेश्चन इसके सॉल्व कराए जा चुके हैं। आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे, 101वां क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द फाइट ऑफ कोबरा एंड मंगूज, ठीक है। द फाइट ऑफ कोबरा एंड मंगूज के बाद इज लगा हुआ है यहां पर, तो जब वर्ब मिल जाए तब हम सब्जेक्ट की खोज करते हैं। सब्जेक्ट कौन सा होता है? वर्ब के पहले देखिए प्रीपोजिशन कहाँ लगा हुआ है। प्रीपोजिशन के ठीक पहले लिखा हुआ वर्ड जो है वो सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? फाइट। और फाइट चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब आई है इज, ठीक है, सही लिखा गया यहां तक, तो कोई गलती नहीं है। और इज लिखा हुआ इसका मतलब सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है। सेंटेंस किस में चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है, ये चीजें नोट कर लेनी है, ठीक है। इज के बाद ए आर्टिकल लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि ड्रामा नाउन है इसलिए आर्टिकल ए लगा हुआ है। ऑफन सीन, इज के बाद एक क्लासिकल ड्रामा, फिर ऑफन लगा हुआ है, उसके बाद ऑफन एडवर्ब है और सीन वर्ब है, ठीक है। ऑफन क्या है? एडवर्ब है, और सीन क्या है? वर्ब है। इस वर्ब की विशेषता बता रहा है ऑफन। इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब था और सीन जो है वो मेन वर्ब है, ठीक। इन इंडिया छोटे प्लेस के पहले एट और बड़े प्लेस के पहले इन लगाते हैं, चूंकि इंडिया बड़ा प्लेस है इसके पहले इन लगा हुआ है। यहां तक इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, समझ में आ गया, ऐसे पढ़ना चाहिए। एंड द आउटकम, एंड के बाद द आउटकम लिखा हुआ है, आउटकम नाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। चूंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके पहले हम इसके बाद वर्ब आएगी वाज, तो वाज पास्ट में लिखा हुआ है। सारी बातें जब प्रेजेंट में हो रही हैं यहाँ पे इज लिख करके, तो ये भी बात जो है वो प्रेजेंट में होनी चाहिए, और यहाँ आउटकम इज होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? आउटकम इज होना चाहिए, क्योंकि सारी बातें तो प्रेजेंट में हो रही हैं, तो ये भी बात जो है वो प्रेजेंट में ही होनी चाहिए, ठीक। तो बात समझ में आ गई कि वाज की जगह इज होगा, और ऑप्शन नंबर डी में एरर है, यहाँ पे वाज की जगह आप इज करना, क्वेश्चन सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें मैं लाया हूं बताने के लिए। यहाँ पे फाइट आया था ना, तो फाइट से मुझे याद आया था क्वेरल, तो क्वेरल से रिलेटेड सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं बता देता हूं। क्वेरल विद समबडी, किसी के साथ झगड़ा करना, तो क्वेरल विद समबडी अबाउट या ओवर समथिंग होता है। जैसे सी क्वेरल्ड विद हर ब्रदर, उसने अपने ब्रदर से झगड़ा किया, तो क्वेरल्ड हर ब्रदर नहीं, क्वेरल्ड विद हर ब्रदर, ठीक है। ओवर देयर फादर्स विल, ठीक है। अच्छा, क्वेरल विद समबडी एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, और जब ये एज अ फ्रेजल वर्ब यूज होता है तो इसका मतलब होता है किसी की बात से, किसी व्यक्ति की बात से डिसएग्री करना, असहमत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, यानी कि ऐसा सेंटेंस चूज करो जिसमें कोई एरर हो। चलिए सभी सेंटेंस के एरर को देखते हैं। देखते हैं, आई के बाद लव लिखा हुआ है, आई प्लूरल है इसलिए लव प्लूरल वर्ब आई है, सही लिखा है। द टेस्ट ऑफ, टेस्ट के पहले आर्टिकल द लगा, इसका मतलब टेस्ट यहाँ क्या है? नाउन है, ठीक है। ऑफ द फ्रेश स्ट्रॉबेरी, सही लिखा गया है, इन द समर, ये ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है। जिसमें एरर है वो ढूंढना है। सी के बाद इज लिखा हुआ है, सही लिखा है। सी इज द विनर, सही लिखा है, विनर के पहले दा लगा हुआ है। ऑफ
विनर का मतलब जीतने वाला, ना कि ये कंपेरेटिव डिग्री है, ध्यान रखना, कंपेरेटिव डिग्री नहीं है ये। ऑफ द नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज के पहले आर्टिकल द लगेगा, स्पेशल कोई प्राइज है, ठीक है। तो यहां तक तो ये तो सही लिखा गया है। ही इज शेफ हु स्पेशलाइज्ड इन इटालियन कुजीन, यहां पे होना चाहिए द शेफ होना चाहिए, यहां आर्टिकल द लगना चाहिए, ठीक है। जब किसी के बारे में डिटेल में आगे चर्चा करनी हो तो हम यहां लगाते हैं आर्टिकल द उस नाउन के पहले, जिस नाउन की चर्चा आगे डिटेल में हो रही है उसी सेंटेंस में, तो यहां पे गलती है। अच्छा यहां लिखा है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ के पहले आर्टिकल द लगता है, सन के पहले आर्टिकल द लगता है, ये हमने बताया है, यानी कि यहां तक कोई गलती तो है नहीं। अर्थ सिंगुलर है इसलिए रिवॉल्व्स लिखा गया है, सही है। अराउंड द सन मतलब चारों ओर, यहां तक कोई गलती नहीं है। तो गलत किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, वहां द शेफ होना चाहिए, ठीक है। यहां टेस्ट आया था ऑप्शन नंबर ए में, देखना तो यहां पे लिखा गया था आई लव द टेस्ट ऑफ, तो टेस्ट से मुझे याद आया अगर कोई वर्ड ऐसे लिखा गया है स्वीट्स टेस्ट टेस्ट डेलिशियसली, तो ये गलत होता है। स्वीट्स टेस्ट वर्ब है और इसके बाद, इस वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है क्योंकि एक प्रकार की लिंकिंग वर्ब होती है। यहाँ पे वास्तव में होगा डेलिशियस, यहाँ पे क्या होगा डेलिशियस। अच्छा ऐसे कितने वर्ड हैं जो लिंकिंग वर्ब होते हैं और जिनके बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं एडवर्ब का नहीं? सम वर्ड्स आफ्टर विच वी कैन वी यूज एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब, लुक, फील, स्मेल, टेस्ट, टर्न, ग्रो, गेट, इसके बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे सी लुक्स ब्यूटीफुल्ली नहीं, सी लुक्स ब्यूटीफुल क्योंकि लुक एक प्रकार का लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा। रोज स्मेल्स स्वीटली नहीं, रोज स्मेल्स स्वीट क्योंकि स्मेल एक प्रकार का लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव स्वीट आएगा। ही गॉट हैप्पी होगा, सही लिखा गया है, गॉट के बाद एडजेक्टिव का यूज हुआ है, ठीक। यूज ऑफ आर्टिकल द हम देख लेते हैं, ये हमने कहां से रिलेट करके बताया है, ये हमने रिलेट करके बताया कि अर्थ के पहले आर्टिकल द लगा था तो आर्टिकल द की भी चर्चा हो जानी चाहिए इस सेशन में। आइए देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे कि दूर द मून, द अर्थ, ठीक है, द सन, द स्टार, जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के उसके पहले हम आर्टिकल द जरूर लगाएंगे, अगर नहीं लगाते हैं तो वो गलत है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, एक्सेट्रा। रिलीजियस बुक्स के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे कि द गीता, द कुरान, द बाइबिल, द रामायणा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे कि द बीजेपी, ठीक। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे कि द यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हो गया। 103 क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं इसमें क्या एरर है। आगे देखना, वी थिंक वी सब्जेक्ट है और प्लूरल है, इसलिए थिंक प्लूरल लिखा गया है और ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, ये जरूर डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। वी थिंक ऑफ का मतलब किसी के बारे में विचार, सोच विचार करना, गहराई से सोचना। द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पुरानी हिस्ट्री, ठीक है, तो द पास्ट हिस्ट्री सही लिखा गया है, ऑफ द वर्ल्ड में कोई गलती नहीं है। एज फिक्स्ड, जो कि फिक्स थी, ठीक है, बट ऑफ द फ्यूचर एज अनडिसाइडेड एंड ओपन यहां पे थिंक लिखा गया था एंड यहां ओपन लिखा गया है प्रेजेंट में। टू टॉक ए वेल्थ ऑफ पॉसिबिलिटीज, यहां पे वेल्थ ऑफ जो है वो WEALTH वेल्थ ऑफ होना चाहिए और ये एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब होता है, ये एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब होता है, यानी कि वेल्थ ऑफ का मतलब क्या होता है आइए देखते हैं। यहाँ पे वेल्थ ऑफ का मतलब होता है ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा, ठीक है, वो होता है, यानी कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे बहुत अधिक संभावनाओं की बात कर रहा है, ठीक है।
यानी कि वेल्थ का, वेल्थ ऑफ समथिंग का मतलब आप यहां ध्यान दीजिएगा, वेल्थ ऑफ समथिंग का मतलब हो जाएगा ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। जैसे वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि द न्यू मैनेजर ब्रिंग्स ए ग्रेट वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस टू द जॉब। ठीक है, तो यहाँ ग्रेट वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। यहां जब ऑफ आ ही गया है तो ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और द नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि जब द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और जब ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। माई टीचर सब्जेक्ट है, ठीक है, टोल्ड वर्ब है, टोल्ड के बाद टू का यूज एक्टिव वॉइस में नहीं किया जाता है, यहां नहीं किया गया है, और दैट लिखा गया है, यहां तक कोई गलती नहीं है, सही लिखा गया है, और ये सेंटेंस पास्ट में लिखा गया है। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स वॉज नॉट गोल्ड, ये ऑल दैट ग्लिटर्स वॉज नॉट गोल्ड, गोल्ड जो है वो गलत है, यहां पर होना चाहिए इज नॉट गोल्ड। अब आप बोलोगे कि सर पहले वाला टेंस तो पास्ट में चल रहा था तो ये भी पास्ट में चलना चाहिए। जी हाँ, पास्ट में चलना चाहिए था, लेकिन ये एक प्रकार का प्रोवर्ब होता है, एक प्रकार की कहावत होती है, जिसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना होती है। हम इसको ये तो नहीं कह देंगे कि हर चमकती हुई चीज सोना होती थी, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब हमेशा और हमेशा जिस टेंस में लिखा गया है उसी टेंस में उसे लिखा जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, गोल्ड की जगह सिल्वर नहीं कर देंगे, गोल्ड की जगह कोई और प्लेटिनम नहीं कर देंगे, तो इन सब की गलती मत करना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कितने वर्ड प्रोवर्ब हैं, आइए मैं बताता हूँ कितने प्रोवर्ब हैं, और जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। स्टिल वाटर रन डीप, गहरा जल शांत होता है। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अब यहाँ पे सीजीएल मेंस में जब पूछा गया तो बर्ड की जगह कुछ और कर दिया गया था और यहाँ हैंड की जगह कुछ और कर दिया गया। ध्यान देना, एक-एक इसमें वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर बर्ड के पहले ए नहीं लगाया तो एरर हो जाएगा, अगर इन नहीं लगाया तो एरर हो जाएगा, उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगाया तो एरर हो जाएगा। इसको एज इट इज लिखते हैं, इसलिए जितने भी प्रोवर्ब एसएससी में पूछे गए थे वो हमने लिख दिए, उसे याद कर लेना। ए स्टिच इन टाइम सेव नाइन, ये एसएससी स्टेनो में पूछा गया। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, फेमिलरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सब में पूछा गया है, तो ध्यान देना इसे। ठीक है, और इन सब का जो हिंदी है इन सब की कमेंट करके आपको आज फिर से बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, मजा आ रहा हो तो वीडियो को अभी पॉज करो और जाकर के लाइक कर दो। वीडियो लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो देखते हैं काफी लोग और लाइक करते हैं मुश्किल से 25-30-50 लोग, तो ऐसी गलती मत कर किया करो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। वैन से सेंटेंस स्टार्ट, सब स्टार्ट हुआ है। जब सेंटेंस की शुरुआत वैन से होती है तो आगे ध्यान रखिएगा कि दो सेंटेंस जुड़ेंगे, आगे दो सेंटेंस रहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। एक सेंटेंस है आई बॉट द बुक और दूसरा है आई थॉट इट विल बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आई बॉट द बुक, आई आई के बाद क्या लिखा हुआ है, बॉट। यहां देखना आई जो है वो सब्जेक्ट है और बॉट जो है वो वर्ब है, पास्ट में लिखी गई है। द बुक आई थॉट भी पास्ट में लिखा गया है, थिंक की वर्ब सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ विल बी की जगह क्या हो जाएगा, वुड बी। विल बी की जगह क्या हो जाएगा, वुड बी, क्योंकि सब कुछ पास्ट में चल रहा है, यहाँ भी पास्ट में होगा क्योंकि यहाँ तो कोई प्रोवर्ब है नहीं। ठीक है,
इसमें हम थिंक से रिलेटेड कुछ चीजें और देख लेते हैं। थिंक का होता है कंसीडर, कंसीडर का मतलब थिंक होता है। अब ये जो तीन है ना, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। कंसीडरेट का मतलब थॉटफुल होना, विचार मग्न होना। कंसीडरेबल का मतलब होता है अमाउंट में बहुत ज्यादा, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ फूड। कंसीडरेबली का मतलब बहुत ज्यादा। तो देखना, सिर्फ कंसीडरेट और कंसीडरेबल देखने में तो सेम है, लेकिन दोनों की मीनिंग में जमीन आसमान का अंतर है। कंसीडरेट का मतलब थॉटफुल और कंसीडरेबल का मतलब ग्रेट इन अमाउंट होता है, बहुत अधिक अमाउंट। ठीक है, कंटेम्पलेट का मतलब विचार मग्न होता है। कंटेम्पलेट, ठीक है, पॉन्डर का मतलब विचार करना होता है। तो ये सब नोट कर लीजिएगा। कंसीडर होता है, थिंक होता ही है, थिंक ऑफ का मतलब सोच विचार गहराई से करना। ठीक, आगे देखना। क्वेश्चन नंबर 107 तक आज हमें बताना है। इट के बाद इज लिखा हुआ है, सही लिखा है, और ये यहां से ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट में लिखा गया है। ठीक है, इट इज ए स्टेट ऑफ कैओस, क्या लिखा गया है, इट इज ए स्टेट ऑफ कैओस सिंस द चेयरमैन रिजाइन। यह बहुत ही कौतूहल का विषय है, जब से चेयरमैन ने रिजाइन किया है, जब से चेयरमैन ने रिजाइन किया है। तो सिंस का हमने एक स्पेशल स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था आप काफी दिन पहले। आइए मैं सिंस का स्ट्रक्चर आपको बताता हूं क्या है। सिंस का मतलब जब होता है जब से, ठीक है, फिर हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं और दूसरा वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। सिंस के साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में रहता है और दूसरा वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। जब सिंस का मतलब होता है जब से, जैसे ही हैज नॉट फोन्ड, उसने फोन नहीं किया जब से वो घर गया है, जब से वो अपने घर गया है। सिंस का मतलब जब से है, तो सिंस से जुड़ा हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन को, अब मजा आएगा। सिंस के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में होती है, और दूसरा वाला सेंटेंस किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, यानी कि यहां होना चाहिए हैज और बीन। इज एम आर की थर्ड फॉर्म होती है बीन, और सिर्फ हैज ही हम लगाए हैं। ठीक है, ग्रामर की जिस दिन गहराइयां समझ गए आप, उस दिन सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हमने कई बार अपने सेशन में बताया है। वाज और वर जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बीइंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो इसी की थर्ड फॉर्म यूज की है, क्यों, क्योंकि हैज लगाना पड़ा, परफेक्ट में लिखना था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हेनरी, हेनरी के साथ इज लिखा हुआ है, क्योंकि हेनरी सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब जो है वो सिंगुलर लिखी गई है। इज नोन, इज के बाद, इज एम आर के बाद वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म लिखी गई है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। क्यों, क्योंकि इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, हेनरी को जाना जाता है एज एन, किसके रूप में, एन एक्सीलेंट, एक्सीलेंट के पहले एन लगता है, हाँ, क्योंकि ये वॉवेल साउंड कर रहा है। एक्सीलेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और राइटर क्या है, नाउन। एंड गुड कम्युनिकेटर लिखा हुआ है, जब एक बार एक्सीलेंट लिख दिया गया तो यहां गुड लिखने की जरूरत नहीं है, एन एक्सीलेंट राइटर एंड कम्युनिकेटर होगा यहां पर इन इंग्लिश। और लैंग्वेज के पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। आर्टिकल दा का जब यूज कर देंगे तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी, अंग्रेज लोग इसकी मीनिंग आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सीलेंट जब आ गया तो हम एक बात देखेंगे, कभी भी एक्सीलेंट के पहले मोर या मोस्ट लगा करके उसका कंपेरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कंपेरेटिव या सुपरलेटिव मोर या मोस्ट लगाकर नहीं बनता है, मतलब उसका कंपेरेटिव सुपरलेटिव बनता ही नहीं है। जैसे
वो अपने आप में ही वो होता है, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, इंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट। अब मोस्ट परफेक्ट हो गया तो गलत हो जाएगा, मोर परफेक्ट हो गया तो गलत हो जाएगा, फाइनल, लास्ट, मोस्ट यूनिक करके एरर पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल इस बार सीजीएल में पूछा गया था, बहुत ही विवादित क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, राउंड इस बार सीजीएल मेंस में पूछा गया था और बहुत ही विवादित हो गया था, ये दोनों मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है। स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल, डोंट यूज दीज वर्ड्स इन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे पहला है, दिस इज मोर इंफीरियर टू दैट, मोर इंफीरियर नहीं इंफीरियर, दिस इज इंफीरियर टू दैट, है ना। गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, तो हमने देखा है कि एवरलास्टिंग में का कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते नहीं है, एज इट इज लिखा जाता है, तो लिख दिया गया। ये जो है वो पिनाकल की बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, एवरीबडी नोज, पिनाकल नहीं, पैरामाउंट की बुक का, एवरीबडी सब्जेक्ट है, सिंगुलर होता है, एवरीबडी जिसमें बडी और वन लगा हो वो सिंगुलर होता है, नोज सिंगुलर है, दैट एक प्रकार का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, क्योंकि इसका मतलब निकल के आ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आना जरूरी होता है, सब्जेक्ट है राधा और वर्ब है इज, मोस्ट यूनिक होता है कि नहीं बताओ, तो यूनिक यहाँ पे लिखा गया है कि यूनिक का कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनाते, इसलिए मोस्ट यूनिक वाले पार्ट में एरर है, सिर्फ सिर्फ यूनिक होगा। यहाँ पर बात समझ में आ गई हो और सेशन पूरा अच्छा लगा हो तो एक बार मैं फिर से बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको फायदा हो रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बस 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 बहुत हो गया, चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।